हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कुछ जो कमेंट हैं बच्चों ने मेरे पास किए थे उनके आंसर यहाँ पर करेंगे। देखिए, एक सरोज है, इसका मेरे पास मैसेज आया था। सरोज क्या कह रही है, मेरे पास मैसेज आया है पर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, क्या करूँ? तो आपको जो है सरोज, बायोमेट्रिक जो है जाँच अपनी करवानी है। मैंने पहले भी बताया था, या तो मैसेज आए या फिर बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम आए, कुछ भी हो, दोनों में ही आपको अपनी बायोमेट्रिक की जांच करवानी है। कई बच्चों के पास मैसेज आ जाते हैं, बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं होता, और कईयों के पास मैसेज नहीं आते, बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम मिलता है। तो दोनों ही सूरत में आपको बायोमेट्रिक जाँच करवानी है। दूसरा मैसेज जो था वो था पूजा का। पूजा बोल रही है मेरे नंबर नंबर थे आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। तो पूजा, मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं आप पास हो, आपका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम आए या फिर मैसेज आए। एक कमेंट दिखाती हूँ, ये देखिए सुशील का मेरे पास मैसेज है। सुशील कुमार क्या कहते हैं कि मेरा बायोमेट्रिक में नेम नहीं था और मैं पास भी था और सर्टिफिकेट भी आया था, पिछली बार का मैसेज है ये। इन्होंने कहा है मेरा बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था, ना कोई मैसेज आया, और मैं पास भी था और सर्टिफिकेट भी आया था। तो इस तरीके से पूजा जो है, आप भी रिजल्ट का वेट करें। जिन बच्चों को लगता है हमारा पास था और बायोमेट्रिक और जो है हमारे पास मैसेज नहीं आया, ना हमारा बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम है, तो उनको कहूँगी आप रिजल्ट का वेट करें। तो ये थी बायोमेट्रिक लिस्ट से रिलेटेड जो बच्चे कंफ्यूज थे और जिनके मन में डाउट चल रहा था, और इससे कई बच्चों का डाउट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।